चारा चोर बनाम भतार चोर। सहेली के साजन से की है स्मृति ईरानी ने शादी। लगा पति चोर का आरोप। हाल ही में हुई पटना रैली पर जब पीएम मोदी पर राजद सुप्रीमो लालू यादव ने तीखे वार किए तो भाजपा की दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नागपुर रैली में लालू को चारा चोर कहकर संबोधित किया, जिसके बाद तो राजद को जबरदस्त मिर्ची लग गई और उसने सारी हदें पार करते हुए स्मृति ईरानी पर पर्सनल अटैक कर दिया। पार्टी प्रवक्ता ने स्मृति ईरानी को भतार चोर यानी कि पति चोर कह डाला, जिसके बाद तो सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों पर बड़ा बवाल मच गया है। ट्विटर पर इस वक्त पति चोर ईरानी ट्रेंड कर रहा है। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या भारतीय राजनेता भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए MSTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सारिका पासवान ने इस तरह की बात क्यों की? अब सवाल ये उठता है कि राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान ने इस तरह की बात क्यों की। दरअसल दिल्ली में जन्मी स्मृति ईरानी का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है। एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने वाली स्मृति ईरानी ने एक्टिंग का सपना देखा था और इसी वजह से वो मुंबई आई थी, लेकिन बिना किसी गॉडफादर के उन्हें इस क्षेत्र में जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। जीविका चलाने के लिए उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया और इसी दौरान उनकी मित्रता बिजनेस फैमिली की रॉयल गर्ल मोना से हुई। मोना की शादी कारोबारी जुबीन ईरानी से हुई थी। दोनों की ट्यूनिंग काफी अच्छी थी, दोनों सुख दुख के साथी बन गए। धीरे धीरे स्मृति अपनी सहेली के घर परिवार का हिस्सा बन गई। जुबीन से वो अक्सर अपने करियर के बारे में सलाह लेती थी और वो उनकी भी काफी अच्छी दोस्त बन गई। बेटी शनेल भी है स्मृति ईरानी की बहुत बड़ी फैन। ये वो दौर था जब स्मृति को टीवी इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान मिल गई थी और वो टीवी का लोकप्रिय चेहरा बन चुकी थी, लेकिन जुबीन और मोना के रिश्ते में दूरियां आनी शुरू हो गई थी और एक दिन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। दोनों के तलाक का असल कारण आज तक किसी को पता नहीं है, लेकिन उस वक्त मीडिया में यही चर्चा थी कि दोनों का तलाक स्मृति के कारण ही हुआ है। हालांकि मोना और जुबीन ने कभी भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। दोनों की शादी से एक बेटी शनेल भी है।